में वो मुझे नहीं मालूम होता कि मैं कैसे बदल जाती हूँ. हाँ, इसके पीछे रिहर्सल तो होता है, बहुत ज्यादा रिहर्सल, क्योंकि और 2082 का परफॉर्मेंस हुआ तो उसके पीछे इतने दिनों का शो का एक्सपीरियंस, और उसके पहले 3 महीने का रिहर्सल का एक्सपीरियंस, ये सब लेकर शायद ऐसा भी हो सकता है जब हम परीक्षा के वक्त, परीक्षा जब सामने होता है तब उसके पहले हम बहुत सारे बार अपने किताबें के पन्ने को उल्टे पट्टे देखते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा, टेंशन होते हैं, और जब एग्जाम पेपर हमको मिल जाते तो होते हैं हाँ तब लिखने शुरू हो जाते हैं. शायद ऐसा ही है. ये जो बात बोलती है तब वो मेरे मन में चल रही थी, तो मैं सच में कल जब नाटक शुरू होने वाले थे तब मैंने टेंशन ली क्योंकि इसका मतलब कौन इधर जो लोग रहेंगे, और सच में बंगाल जैसे महाराष्ट्र का थिएटर भी अपना मतलब बहुत क्या बोलूं उसको, महाराष्ट्र का थिएटर बहुत आगे है बंगाल के जैसा, तो दोनों के तरफ मुझे इधर आकर थिएटर प्रेजेंट करना है, यहाँ के लोगों के सामने परफॉर्म करना डर कर जैसा लग रहा था. दूसरा चीज है सामने में कौन कौन बैठे सुषमा मैम जिससे मुझे सावित्री बाई को लेना है, वो मुझे स्क्रिप्ट भी भेज देते, मतलब हाँ उससे उसे बात करने के बाद मेरा डर बहुत चली गई थी, मगर फिर भी सामने कौन बैठे थे सर राम गोपाल प्रचार जी और अक्रम सर जी, ये इन लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए तो बिल्कुल रहेगा. मगर और भी जो और जो और एक चीज है, चले जाते थे कहीं कहीं पे वो लोग ऐसा लेते, तो मुझे यहाँ का माहौल कैसे लेंगे ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, ये पॉलिटिकल लोग नहीं सर ऐसा नहीं सर ना समझते कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि इसके बाद इसके असर हो सकता है, तो ये मेरा काम कर रहा है.